आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर व जिले में पिछले 45 दिनों से लगे लॉकडाउन को लेकर सोलापुर शहर व जिले के पालक मंत्री ने निवेदन भवन में बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में शहर में अलग अलग समस्याओं को लेकर भी चर्चाएं की गई। अगर हम बात करेंगे तो शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में कोरोना से संबंधित लोगों की संख्या को अगर हम देखेंगे तो स्थिति पर काबू पाया गया है, क्योंकि शहर में लगभग 739 लोग ही कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अगर वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर 15,000 से अधिक मामले कोरोना के लगभग इलाज उनका अस्पतालों में चल रहा है। इन बातों को लेकर निवेदन भवन में चर्चा कम की गई, लेकिन शहर के अलग अलग समस्याओं पर ज़्यादा चर्चाएं की गई, जिसमें शहर की एक अंतिम यात्रा, मार्केट यार्ड, बीड़ी कामगार, इन बातों को लेकर इस चर्चा में सबसे ज़्यादा अगर कोई बात सामने आई तो वो है मार्केट यार्ड, क्योंकि पिछले 45 दिनों से लगे लॉकडाउन के अंदर मार्केट यार्ड में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सोलापुर प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इन दोनों ने मिलकर मार्केट यार्ड में बार बार स्थिति को नियंत्रण करने की हर मुमकिन कोशिश की। जहां तक अगर हम बात करेंगे व्यापारियों की, तो उन व्यापारियों ने भी लगभग सोलापुर महानगर पालिका के बनाए गए नियम और पुलिस प्रशासन के बनाए गए नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन भीड़ को काबू में लाने की हर स्थिति फेल होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बार बार पुलिस प्रशासन हो या महापालिका प्रशासन हो, बार बार व्यापारियों के ऊपर अलग अलग प्रकार के चालान काट रहे थे, जिसको लेकर भूसार संगठन के व्यापारियों ने पूरे मार्केट यार्ड को एक सप्ताह के लिए बंद करने का निर्णय लिया था, जिसे सुन पालक मंत्री के सामने बैठे सोलापुर शहर के पुलिस उपायुक्त वैशाली कड़ूकर ने कहा कि हम किसी प्रकार की कार्रवाई मार्केट यार्ड के परिसर में नहीं कर रहे हैं, बल्कि मार्केट यार्ड के गेट के पास ही एंटीजन टेस्ट की चेकिंग कर लोगों को ऊपर, अगर वो लोग सहयोग नहीं करते तो उसी वक्त हम जो है उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो रही बात सोलापुर महानगर पालिका की ओर से अगर मार्केट यार्ड में कार्रवाई हो रही है, तो व्यापारियों का कहना यह है कि अगर इन बार बार हो रही कार्रवाइयों से हमें जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते हम जो है एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से पूरे मार्केट यार्ड को बंद करेंगे, जिसे सुन सोलापुर महानगर पालिका के उपायुक्त धनराज पांडे ने साफ कहा कि हम व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि आप किसी प्रकार का बंद करने का जो निर्णय लिया है उसको पीछे लीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि किसी प्रकार की कार्रवाई जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसी कोई भी कार्रवाई मार्केट यार्ड के परिसर में नहीं होगी, जिसे सुन व्यापारियों का कहना है कि हम जो है जो बंद करने का निर्णय लिया था उस बंद को हम पीछे लेते हैं और किसी प्रकार से भी बंद नहीं रहेगा, बल्कि ये खुला रहेगा जिस प्रकार से पिछले सप्ताह खुला था, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उसी प्रकार से जो है मार्केट यार्ड खुला रहेगा। अब इसके बाद अगर कोई चर्चा जो ज़्यादा तूल पकड़ी थी, वो चर्चा थी सोलापुर शहर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किरण मैत्रे की अंतिम यात्रा को लेकर। वहाँ पर स्थानीय विधायक परिणीति शिंदे का कहना था कि वहाँ पर 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन 250 लोगों पर मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो कानून के कामों में बाधा डालने को लेकर 353 एक्ट के तहत जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, बल्कि इन पर 188 के तहत ही मामला दर्ज किया जाना था, लेकिन उन पर सरकारी कामों में बाधा डालने के लेकर जो है केस दर्ज किया गया। इसको लेकर पालक मंत्री ने जो है किसी प्रकार का जवाब उनको नहीं दिया। इस चर्चा के बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई बात तुल पकड़ी थी तो वो थी सोलापुर शहर की बीड़ी कामगार और यंत्र मांग कारमांग कामगार की। अगर हम बात करेंगे तो जो लोग साचे चलाते हैं, जो लोग जो है अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर माजी यानी कि पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए आडम मास्टर का ये कहना था कि सोलापुर शहर के अंदर लगभग कई लोग ऐसे हैं जिनमें बीड़ी का काम कर कर ही वो अपने घर चला सकते हैं, लेकिन इन 45 दिनों से बंद पड़े उन कारखानों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अगर आप इन कारखानों को कोरोना नियमों के साथ जल्द से जल्द चालू नहीं करेंगे तो हम लोग रास्ते पर उतर जाएंगे। ये सुन सोलापुर शहर व जिले के पालक मंत्री ने साफ कहा कि आने वाले 1 मई के बाद जो है हम इस पर निर्णय लेंगे कि शहर में किस प्रकार से इसको चालू किया जा सके। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो शहर व जिले में
ब्लैक फंगस को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें जो है पालक मंत्री ने साफ मालूमात दी कि सोलापुर शहर व जिले समेत 122 लोगों को ब्लैक फंगस ने अपना शिकार बनाया है और उनमें से 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इसके बाद ब्लैक फंगस को लेकर कोई प्लानिंग की चर्चा निवेदन भवन में उस बैठक के दौरान नहीं की गई। फिर इसके बाद इस चर्चा के बाद उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उनको अलग अलग प्रकार के सवालात पूछे गए। उन सवालात का सामना करते हुए कहीं पर वो बच निकलने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दी। जब एक पत्रकार ने उनको उजनी पानी के बारे में, उजनी डैम के पानी के बारे में जो पूछा गया, तो उस सवाल से वो बचते हुए नजर आए और पत्रकार परिषद से उठकर जो है चले गए। क्या ऐसी बैठकें लेकर सोलापुर शहर व ज़िले के पालक मंत्री आने वाले समय में कोरोना स्थिति को लेकर ज़्यादा जोर देंगे या फिर निजी मामलों को लेकर जो है ज़्यादा जोर देंगे, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि आखिरकार सोलापुर शहर व ज़िले में कोरोना स्थिति कब काबू में आएगी या फिर लॉकडाउन से हो रही दिक्कतों से आखिरकार नागरिकों को कब राहत मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल और खासकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।